नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर बालाघाट जिले के उकवा से। ढाई साल के बच्चे की जान बचाई पिकअप वाले ने। बालाघाट से बैयर की ओर जा रही पिकअप ने ढाई साल के बच्चे की जान बचाते हुए अपने आप को भी बचाने का पूरा प्रयास किया। उसके बावजूद भी बच्चा आर्यन पिता जयपत उइके जाति गोंड निवासी खुड़कीपुर डोरा बालक आर्यन माता पिता के साथ बस स्टैंड उकवा में माता पिता को छोड़ खेलते रोड क्रॉस कर रहा था। इस समय अचानक पिकअप आई। पिकअप वाले की नजर उस बच्चे पर पड़ी, जिससे पिकअप वाले ने बहुत ही होशियारी से उस बालक को बचाया, किंतु बालक को हल्की सी चोट आग के ऊपर आई, जिससे बस स्टैंड के व्यापारी के द्वारा तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उकवा लाया गया, जहां पर NM सीमा पाटिल एवं वार्ड बॉय राजू हड़गे के द्वारा प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया गया। वहीं बस स्टैंड के व्यापारी इसराइल खान, सिबू खान, लक्ष्मी गवेनकर, आकाश गवेनकर, अकबर खान, जमुना बिसेन, मौलाना मस्जिद उकवा तथा अन्य व्यापारियों के द्वारा मीडिया को बताया गया कि एक घंटे से 108 एम्बुलेंस को फोन किया जा रहा, किंतु एक से डेढ़ घंटा होने के बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जबकि उकवा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और यह एम्बुलेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी। व्यापारियों के द्वारा चंदा कर बुलेरो बनाकर उस बच्चे को बालाघाट ले जाया गया। व्यापारियों ने और ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उकवा में 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, अन्यथा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जवाबदारी प्रशासन की होगी। उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शेख इसराइल। कहाँ रहते हो? उकवा वार्ड नंबर 14। क्या समस्या है? समस्या ये है, यहाँ पे जो आरोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ डॉक्टर की सुविधा है, सहूलियत है डॉक्टर की, लेकिन यहाँ पे एम्बुलेंस की सहूलियत नहीं है। यहाँ पे अभी फिलहाल अभी आधे घंटे पहले के एक्सीडेंट हुआ, 5-6 साल का बच्चा जो है गाड़ी से टकरा गया पिकअप वाइन से, उसको ग्रामीणों की मदद से उठा के हॉस्पिटल लाया गया। तो डॉक्टर तो खैर जो है सो है ही, लेकिन एम्बुलेंस के लिए जब बात की गई तो बोले एम्बुलेंस बिजली से आएगी, उसके बाद जाएगी। तो हम ग्रामीणों ने चंदा करके प्राइवेट गाड़ी से उस बच्चे को बालाघाट हॉस्पिटल भिजवाया। शासन से हमारा अनुरोध है कि उकवा हॉस्पिटल के लिए एक एम्बुलेंस 24 घंटे के लिए रखें।